मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। परिचय बताइएगा। जी सर, मेरा नाम सदानंद कुमार नंदन है और मैं सिंहवाड़ा दरभंगा से बिलोंग करता हूं। मैं एक छोटा मोटा व्यवसायी हूं जो अपना मतलब सिलाई का भी वर्कशॉप चलाता हूं। विश्व वृक्ष दिवस सह नारी एवं बेटी सम्मान समारोह में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो हमारे मतलब संजय जी का मतलब जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम है जो इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा और उसके लिए बहुत ही मतलब अच्छा कदम है। और नारी एवं बेटी के लिए जो इन्होंने जो सम्मान समारोह रखा है ये मतलब बिल्कुल नया नया है, ट्रेड है और इसको अपनाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, नारी और जो भी मतलब समाज के इस तरह के जो लोग हैं जो सामने आए और अपना समाज में योगदान दे, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, भाग ले। सर, इतना लोगों के द्वारा पेड़ की अंधाधुंध कटाई की गई कि आज सरकार को स्कीम लाना पड़ा इस पौधारोपण कार्यक्रम के लिए, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो अपने सुख सुविधा के लिए बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफ देके, बहुत पर्यावरण को दुख तकलीफ देके या दुनिया में चाहते हैं कि मैं ही जीऊँ बस, है कि नहीं, हमारा ही मकान बने, अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाना, पेड़ पौधे कटाई करके अच्छे अच्छे भवन निर्माण करना। अपने सुख सुविधा में लोग अंधे हो गए हैं, आगे फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही बुरा होने वाला है अगर इसी तरह चलता रहा तो इन्हीं लोगों का, आप संजय जी जैसे ऐसे लोगों का देन है जो मतलब थोड़ा बहुत इससे मतलब समाज में परिवर्तन आएगा, लोगों को सीख मिलेगी कि भाई पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और मतलब इस तरह का मुहिम चलना चाहिए जो आगे हमारा फ्यूचर सेव रहे। सर, वृक्षारोपण के अलावा यहाँ पर नारी एवं बेटी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? नारी एवं बेटी सम्मान समारोह बिल्कुल ही अच्छा है कि उसको जो है आजकल के दौर में नारी को सम्मान देना चाहिए और नारी को भी आजकल है क्या कि सर बिल्कुल ही जो है एक आदमी से परिवार नहीं चल सकता। अगर ऐसा है, आजकल के इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है, इस माहौल में अगर जीना है तो देखते हैं कि मतलब दोनों को टेंड होके एक तरह के काम करना होगा, व्यवसाय के क्षेत्र में आना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आना होगा, कदम से कदम मिला के उसको मतलब साथ लेके चलना होगा। हम लोग पुरुष प्रधान समझते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है कि नहीं, जो हम हुकूमत चलाएंगे वही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग भगवान ने सभी को बराबर दिया है, उनको ही बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए, इसी तरह से हमारे समाज का विकास होगा। सर, पौधारोपण कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें आप क्या योगदान अपना तरफ से देना चाहिए? बिल्कुल, हमारे तरफ से जहाँ से होगा, हम लोग अपने मतलब जन्मदिन पे हो या किसी महापुरुष के जन्मदिन पे हो, हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम करते रहें और करते रहेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक का करना हो मतलब हो सके करें, है कि नहीं, जितना मतलब पौधा मतलब नष्ट करने के बजाय पौधा को बचाया जाए, यही मुहिम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने वाणी से, अपना मुखारविंद से बात अपने कही जो चौपाल संवाद के श्रोता सब सुनेंगे और इससे वो भी प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, चौपाल संवाद के श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से हरी शुभकामनाएं। थैंक यू सभी लोगों का, आपके टीम को भी थैंक यू सर। थैंक यू।